हेलो गाइस, दिस इज मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12th क्लास की बुक है जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इसका चैप्टर नंबर 4 है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। दोस्तों, इस चैप्टर के ऊपर मैं ऑलरेडी पार्ट 1 की वीडियो बना चुका हूँ, तो जो टॉपिक्स बचे हुए हैं हम वो इसके अंदर कवर अप करने वाले हैं। बाकी लोग आप पार्ट 1 की वीडियो भी देख सकते हैं बचे हुए टॉपिक्स के लिए। दोस्तों, तो उस वीडियो के अंदर शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा चाइनीज इकोनॉमी। तो चाइनीज इकोनॉमी दोस्तों, तीन पार्ट्स में इसके क्वेश्चन बटे हुए हैं। बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो पार्ट है वो उसमें इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द राइजिंग ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, कि क्या कारण है जिसकी वजह से चाइनीज इकोनॉमी बढ़ती जा रही है। सबसे पहले इसी की बात कर ले दोस्तों हम लोग। तो इसके अंदर चार मोटे मोटे तौर पर फैक्टर्स होंगे, चार रीजंस होंगे। सबसे पहले बात करते हैं, चीन ने 1978 के अंदर अपने आइसोलेशन को खत्म करके ओपन डोर पॉलिसी को शुरुआत की। दोस्तों, तो ओपन डोर पॉलिसी का मतलब क्या है कि चीन ने अपने जो रिलेशंस हैं वो पूरी दुनिया के साथ शुरू कर दिए और ट्रेड को अपने बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, तो इसके तहत क्या हुआ, ओपन डोर पॉलिसी अपनाई गई 1978 में। दोस्तों, ये पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो चीन इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन के अंदर है और उसको इस बात का फायदा भी मिलता है। फायदा किस तरीके से मिलता है कि चीन के अंदर बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है। दोस्तों, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्तों, थर्ड पॉइंट कहता है कि चीन हैज़ द अबेंडेंस ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। चीन के पास भरपूर मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं। दोस्तों, इसका मतलब आपको पता ही है कि किसी भी देश की इकोनॉमी को जनरेट करने के लिए, किसी भी देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का सबसे ज़्यादा रोल होता है और चीन के पास ये नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। दोस्तों, अब बात करते हैं आखिरी पॉइंट की, इसके फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वो है दोस्तों चीन के ज्योग्राफिकल लोकेशन। जिस जगह चीन स्थित है उसका चीन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक फायदा मिलता है। क्यों? चीन के बहुत सारे देशों के साथ बाउंड्रीज भी शेयर करता है। इसके अलावा चीन की एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी है और हिमालयाज भी है। तो ये सारे क्या करते हैं, चीन के एरिया को बहुत ज़्यादा सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं और एक तरीके से एक स्ट्रेटेजिक बढ़त प्रोवाइड करते हैं चीन को। दोस्तों, तो ये चार पॉइंट्स थे आपको जो आप इसका आंसर दे सकते हो कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द राइजिंग ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। अब बात करते हैं चीन के दूसरे पार्ट की। दोस्तों, तो दूसरे पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि व्हाट आर द रीजंस, या हाउ कैन यू से दैट द चाइनीज इकोनॉमी विल ओवरटेक द US इकोनॉमी इन 2040। मतलब अब किस तरीके से आप बोल सकते हैं कि 2040 के अंदर चीन की इकोनॉमी अमेरिका की इकोनॉमी को पीछे छोड़ देगी। तो दोस्तों, इस टॉपिक को सीधे से चार पॉइंट कवर अप करेंगे। फटाफट से चारों पॉइंट की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका यही होगा कि ओपन डोर पॉलिसी को अपनाया चीन ने 1978 के अंदर और इस ओपन डोर पॉलिसी के तहत दोस्तों चीन ने धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को प्राइवेटाइज किया। सबसे पहले चीन ने 1982 के अंदर दोस्तों अपने एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज किया, फिर उसके बाद 1998 के अंदर अपनी इंडस्ट्रीज को भी प्राइवेट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप चीन ने अपनी इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोलना शुरू कर दिया। दोस्तों, इसके बाद करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, क्रिएशन ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। मतलब क्या है दोस्तों, कि चीन ने अपने देश के अंदर बहुत सारे जोन्स ऐसे रिजर्व कर दिए, बहुत सारे जोन्स स्पेशली इस तरीके से बनाए कि इनके अंदर सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस और कमर्शियल पर्पस के लिए उसको रिजर्व कर दिया गया। इसको बोलते हैं SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। दोस्तों, तीसरे पॉइंट की बात करें तो चीन इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर द FDI। मतलब दोस्तों, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए चीन जो है दुनिया के सबसे अट्रैक्टिव देशों में से एक है, कि जहां पर कोई भी देश आके, कोई भी MNC आके अपना पैसा खर्च करने को तैयार है, या कोई भी MNC आके वहां पर इस्टेब्लिश होने को तैयार है। दोस्तों, चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो चौथा पॉइंट है कि चीन एक्सेस द WTO इन 2001। चीन ने पूरी तरीके से WTO को 2001 के अंदर ज्वाइन कर लिया दोस्तों, और इस तरीके से चीन ने अपनी इकोनॉमी को पूरी तरीके से दोस्तों लिबरलाइज कर लिया। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जिस रफ्तार से चीन आगे बढ़ रहा है उसकी इकोनॉमी आगे बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है कि 2040 के आते आते चीन की इकोनॉमी अमेरिका की इकोनॉमी को पीछे छोड़ देंगे। दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। तो अगले टॉपिक की बात करें तो उसके अंदर हम लोग लिमिटेशंस पढ़ने वाले हैं दोस्तों, कि किस तरीके से चीन के अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ पाबंदियाँ हैं या कुछ चीन की कमियाँ हैं। फटाफट से चार पॉइंट पे कवर अप करते हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम उसकी अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जैसे
चीन दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, तो उसी हिसाब से चीन के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरी प्रॉब्लम जो उसकी है करप्शन की, दोस्तों चीन के अंदर करप्शन के केसेस भी बहुत सारे आते हैं। तीसरी बात करें तो दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट लिमिटेशन है, सबसे बड़ी लिमिटेशन है चीन के ऊपर, वो यही है दोस्तों कि चीन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की है, कि चीन जो है ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ के चक्कर में इन्वायरमेंट को बर्बाद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। और इसके आखिरी पॉइंट की बात करें, अगर फोर्थ पॉइंट की दोस्तों इसके बात करें, तो फोर्थ इसकी प्रॉब्लम है ह्यूज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इसका मतलब चीन के अंदर अमीर और गरीब लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि CBSE के गाइडलाइंस के हिसाब से इस ही साल में ये टॉपिक को जोड़ा गया। इस टॉपिक का नाम है ब्रिक्स। दोस्तों ब्रिक्स की अगर बात करें तो ब्रिक्स BRICS, ये जो है पांच दुनिया की इमर्जिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है। ब्रिक्स स्टैंड फॉर द B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S स्टैंड फॉर द साउथ अफ्रीका। दोस्तों तो ये पांच देशों का ग्रुप है और ये पांचों देश दुनिया की काफ़ी बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमीज है। दोस्तों इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत दोस्तों 2006 के अंदर हुई दोस्तों। और इसकी शुरुआत सबसे पहले ये जो नाम है ब्रिक्स का वो किसने दिया, वो एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जिम ओ नाइल। इन्होंने ब्रिक का जो आइडिया था वो दिया दोस्तों। और ब्रिक की शुरुआत की बात करें तो 2006 के अंदर इसके अंदर सिर्फ चार देश थे BRICS दोस्तों। और 2010 के अंदर इसके अंदर S जोड़ा गया, क्योंकि 2010 के अंदर एक पांचवा मेंबर इसके अंदर जुड़ा जिसका नाम था साउथ अफ्रीका। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कोई एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि एक पांच देशों का एक पावरफुल ग्रुप है और इसकी मीटिंग जो है रेगुलरली टाइम टू टाइम होती रहती है। मेंबरशिप की बात करें इसकी, तो उसकी जो मेंबरशिप है वो एनुअली हर एक साल के बाद चेंज होती रहती है। मतलब हर एक साल के बाद इसके जो चेयरमैनशिप है वो बदलती रहती है। हर एक साल बाद इसके चेयरमैन पांचों में से जो मेंबर्स हैं वो एक एक साल के लिए चेंज होते रहते हैं। और बात करें इसकी समिट्स की, तो सबसे पहला जो इसकी मीटिंग, सबसे पहला समिट यकेटेरिनबर्ग के अंदर रशिया में हुआ और 2009 के अंदर हुआ। और बात करें इसकी लेटेस्ट मीटिंग की, तो उसकी लेटेस्ट मीटिंग 2019 के अंदर ब्राज़ील साउथ अफ्रीका के अंदर हुई। तो ये कुछ इसके स्ट्रक्चर की बात है। आगे बात करते हैं इसकी पावर्स की। पावर्स की बात करें तो चार पॉइंट्स में इसकी पावर हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें तो दुनिया की 40% पॉपुलेशन ऐसी है जो सिर्फ ब्रिक्स के नेशन कवर अप करते हैं। तो दुनिया के इन पांच देशों के अंदर दुनिया की 40% पॉपुलेशन कवर अप होती है। और बात करें GDP की, तो दुनिया की 30% GDP ऐसी है जो सिर्फ इन पांच देशों से बिलोंग करती है। मतलब दुनिया की 30% GDP ये सिर्फ पांच देश ही मिलकर चलाते हैं। तो जो कि ये है जिस ब्रिक्स के ग्रुप को एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इकोनॉमिक इंजन बनाता है दोस्तों। आगे बात करें, तीसरा पॉइंट कहता है कि इसके दो मेंबर्स ऐसे हैं, एक रशिया और एक चाइना, जिनके पास वीटो पावर है। या आप समझ सकते हो ये दो मेंबर्स ऐसे हैं जो कि परमानेंट मेंबर्स हैं ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इट इज़ एन इमर्जिंग मार्केट एंड ग्लोबल पावर ब्लॉक। से आप समझ सकते हो कि दुनिया की ब्रिक्स जो है काफ़ी बड़ी दुनिया के अंदर इमर्जिंग एक मार्केट उभर के आई है जो दुनिया के किसी भी सुपर पावर को टक्कर दे सकती है। अब बात करते हैं इसके अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ब्रिक्स, कि ब्रिक्स को बनाने के क्या क्या मकसद है। चार पॉइंट्स में फटाफट से कवर अप करते हैं उसको भी। सबसे पहला पॉइंट कहता है, बड़ा सिंपल है, सबसे पहला पॉइंट बात करता है इट सीक्स टू डीपन एंड ब्रॉडन द कॉपरेशन अमंग द मेंबर कंट्रीज फॉर म्यूचुअल डेवलपमेंट। मतलब क्या है इसका, बड़ा सिंपल है कि इसका मकसद यही है कि कैसे इन पांच देशों के अंदर डेवलपमेंट को बढ़ाया जाए, जिससे कि इन पांच देशों का जो है म्यूचुअल डेवलपमेंट, मतलब इन पांच देशों के कॉपरेट करके आपसी डेवलपमेंट को बढ़ाया जाए इनकी। दूसरा, टू कंक्लूड द एग्रीमेंट्स इन द एरियाज ऑफ इकोनॉमिक एंड ट्रेड कॉपरेशन। कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स कराए जाए जो कि इकोनॉमिकली या ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका कॉपरेशन को बढ़ाएं। तीसरे पॉइंट की बात करें, टू अचीव द पीस सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट फॉर अ मोर फेयर वर्ल्ड। दुनिया के अंदर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने के लिए, एक फेयर वर्ल्ड को बनाने के लिए दुनिया के अंदर किस तरीके से शांति, सुरक्षा और डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल सके। फोर्थ पॉइंट की बात करें, टू क्रिएट अ बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट फॉर द इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स इन ऑल द ब्रिक्स कंट्रीज। और बात करें इसका, फोर्थ पॉइंट कहता है
कि दुनिया के अंदर ऐसा माहौल बनाना, खास तौर पर इन 5 देशों के अंदर, जिससे कि इन 5 देशों के अंदर ऐसा माहौल हो कि दुनिया के इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन या फ्रेंडली एक इन्वायरमेंट बिजनेस के लिए बन सके। अब बात करते हैं इसके आखिरी टॉपिक की, ब्रिक्स से रिलेटेड आखिरी टॉपिक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, या हम इसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी पढ़ सकते हैं। इसकी स्थापना जो है 2014 के अंदर हुई, मतलब जो न्यू डेवलपमेंट बैंक था 2014 के अंदर बना, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई चीन के अंदर है, तो चाइना के अंदर है, शंघाई शहर है जिसके अंदर इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। और इसको बनाने का पर्पस भी यही था कि जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके डेवलपमेंटल गोल्स को पूरा करने के लिए उनको हेल्प प्रोवाइड कराई जाए या फिर लोन्स को दिया जाए इनको। तो ये था हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब बात करते हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की, आखिरी टॉपिक है जापान। जापान के बारे में कुछ छोटी मोटी चीज़ें फटाफट से बात करते हैं उनके बारे में। सबसे पहले कुछ रेपुटेड कंपनीज के नाम आपने सुने होंगे, टोयोटा, माजदा, कैनन, पैनासोनिक, होंडा, सुजुकी, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं, रेपुटेड कंपनीज हैं पूरी दुनिया के अंदर, और ये सारी कंपनीज जापान की हैं। तो बात करें जापान की, तो सिर्फ इकलौता जापान ही एक ऐसा देश है जिसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स डाले गए थे, और उसके बाद से जापान ने काफ़ी तेज़ी से तरक्की की है। जापान के पास अपने खुद के नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसके बाद वो ज़्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज को बाहर से इम्पोर्ट करता है, और उसके बावजूद भी जापान की इकोनॉमी दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड रह चुकी है दोस्तों। और जापान के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट बात करते हैं, तो जापान इज़ द 10th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, 10वें नंबर पे जापान का नाम आता है जो कि पॉपुलेटेड कंट्री है। और जापान इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द UN बजट, मतलब क्या है कि UN के अंदर जो बजट होता है, UN को चलाने के लिए जो पैसा होता है, उसके अंदर अमेरिका के बाद जापान दूसरा सबसे बड़ा देश ऐसा है जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है UN को चलाने के लिए दोस्तों। और बात करते हैं इसके आखिरी पॉइंट की, तो जापान अपने GDP का सिर्फ 1% ही एक्सपेंडिचर जो है डिफेंस के ऊपर खर्च करता है, और उसके बावजूद भी जापान की जो आर्मी है, जो डिफेंस है, वो 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड रह चुका है दोस्तों। तो ये कुछ जापान के बारे में फैक्ट थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर एग्ज़ाम ज़्यादा सिंपल है, इजी बनता है, तो उसके अंदर भी 4 मार्क्स में इस टॉपिक को पूछा जा सकता है। तो हमारी ये चैप्टर इतना ही रखते हैं, इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतने ही टॉपिक है हमारे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आपके फ्रेंड्स में या फिर आपकी फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं, जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप उनको शेयर कर सकते हैं और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।